एंड वेलकम बैक सनाज वर्ल्ड, होपिंग यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। फ्रेंड्स, बाय द टाइटल आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना निकाह आउटफिट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ अपना शगुन, हल्दी एंड मेहंदी तीनों आउटफिट शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो की बात कर रही हूँ, वो एंड चेक। आपको डेफिनेटली बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं अपने बिग डेज आउटफिट रिलेटेड। चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बट उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पे, विच इज sanazworld02, जो कि यहाँ स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फ्रेंड्स, किसी भी लड़की की लाइफ में जो मोस्ट प्रीशियस डे होता है ना, वो उसका वेडिंग डे होता है। फिर चाहे आप किसी भी रिलीजन, किसी भी कल्चर से बिलोंग करें, बट वेडिंग डे के लिए हम सब अलग अलग तरह की प्रिपरेशन करते हैं कि कोई कमी भी ना छूटे, ऐसा वाला सीन सबके माइंड में रहता है। फिर चाहे वो आउटफिट हो, ज्वेलरी हो, मेकअप हो, हम इन चीज़ों पर प्रॉपर ध्यान देते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। तो मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी अपने निकाह आउटफिट की, बट उससे पहले मुझे और भी कुछ आपके साथ शेयर करना है। फ्रेंड्स, राइट नाउ मैंने जो लिपस्टिक लगाई हुई है वो एक्चुअली लिपस्टिक नहीं है, वो है ये लिप बाम। यस, ये है माई ग्लैम का कलर पॉप लिप बाम इन द शेड बेरी, जो मैंने रिसेंटली लगाया हुआ है। और ये आपकी लिप्स को ना अप टू 12 आवर मॉइस्चराइज और सॉफ्ट रखता है। बहुत सही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी प्रीटी, सही प्रीटी पिंक कलर है जो मैंने फिलहाल लगाया हुआ है, लाइक यू कैन सी। और द बेस्ट थिंग ना, इसमें है SPF 20। तो ये अकेला इकलौता शेड नहीं है, ये तो फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ, और भी शेड्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है टोटल 5 शेड्स, 4 ये अभी पैक है और एक मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ। तो ये आई गेस 5 ही शेड्स आते हैं या 6 आते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है 6 आते हैं। तो कोई एक इसमें नहीं है तो उसका भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और ये 5 है मेरे पास, तो मैं 1 by 1 आपको दिखाती हूँ। इन लिप बाम का ना एक और प्लस पॉइंट है कि ये ग्लूटेन फ्री है, पैराबिन फ्री है एंड अल्कोहल फ्री है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो वेट, मैं 1 by 1 सारे स्वेचेज आपको दिखाती हूँ। सेकेंड वन है मेरे पास स्ट्रॉबेरी। फर्स्ट जो मैंने दिखाया था वो सिर्फ बेरी था, और ये है स्ट्रॉबेरी। एंड ये सारी चीज़ें सेम है। वेट, लेट मी ओपन इट। कुछ इस टाइप से इसकी पैकेजिंग है, काफ़ी क्यूट सी। लिप बाम की जनरली पैकेजिंग ऐसी आती है, तो उसी टाइप की पैकेजिंग है इसकी। और यहाँ से ओपन करना है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। काफ़ी छोटू साइज, क्यूट सा है। वाओ, शेड तो देखने में ही बहुत प्यारा लग रहा है, और फ्रेग्रेंस बिल्कुल वो स्ट्रॉबेरी वाली है। येस, यू कैन सी कि बहुत ही प्रीटी सा कलर है, लाइक वो पीच काइंड ऑफ होता है ना, बिल्कुल वो वाला कलर आ रहा है इसका। तो ये मैंने लिया है सेकेंड वन इन द शेड स्ट्रॉबेरी। थर्ड ओपन करते हैं। थर्ड ये न्यूड काइंड ऑफ मुझे लग रहा था, तो लेट्स ओपन इट। और ये फ्लेवर का नाम है काको वनीला। आई गेस वनीला की फ्रेग्रेंस हो इसमें। अच्छा, ये कुछ इस टाइप से है। वेट, लाइक ये ट्रांसपेरेंट होता है ना, वैसा है। और फ्रेग्रेंस बिल्कुल चॉकलेट एंड वनीला काइंड ऑफ आ रही है। ओके, तो इसका कोई शेड नहीं है, ये आपका नॉर्मल सा बेसिक वाला जो होता है ना एक लिप बाम, लाइक इसके ऊपर आप लिपस्टिक वगैरह ले सकते हैं। इसमें कोई टिंट नहीं है, लाइक आपको दिख भी नहीं रहा होगा आई गेस। यस, तो इसमें कोई टिंट नहीं है, बट हाँ, लिप्स को आपके सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज रखने वाला है। तो अगर आप कोई ऑफिस गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग है, आप लिपस्टिक वगैरह नहीं प्रेफर करते, नॉर्मल आपको लिप्स रखती है, तो उस टाइम के लिए परफेक्ट है। और अगर आप लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो इसको पहले अप्लाई करिए, उसके ऊपर लिपस्टिक अप्लाई कर लीजिए, तो आपकी लिप्स मॉइस्चराइज भी रहेगी और सॉफ्ट भी रहेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, और ये है रोज़ में। तो लेट्स सी, रोज़ की इमेजेस वगैरह बनी हुई है इस पर, इसका शेड देखते हैं। वाओ, ये भी तो काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। लेट्स ट्राई इट। इसका भी शेड बहुत ही प्रिटी है, एकदम लाइट वो पिंक वाला आता है ना, वो वाला शेड है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसा है कुछ, वो जो पिंक वाले रोजेज नहीं आते हैं, बिल्कुल वो वाला शेड है। और फ्रेग्रेंस कंप्लीट रोज़ की फ्रेग्रेंस आ रही है, तो ये भी काफ़ी सही लगा मुझे। और नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, विच इज़ दिस वाटरमेलन। ओके, तो इसमें से वाटरमेलन की फ्रेग्रेंस होगी। ओके, तो ये फर्स्ट वन जो दिख रहा है ना आपको, सबसे आगे मैंने अप्लाई किया है, ये है वाटरमेलन वन। शेड्स में ना बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं आने वाला है, जो भी 5 मैंने लिया है ना, एक तो उसमें कोई टिंट नहीं है, वो नॉर्मल है, लाइक जो मैंने दिखाया वनीला वाला वो। बाकी जो 4 है, शेड्स आपस में मिलते जुलते हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि वो पिंक और रेड अंडरटोन में ही आते हैं वो चारों। बट हाँ, काफ़ी अच्छे से, मतलब आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको दिखने वाला है। इनके कैप से ही आप समझ में आ रहा होगा आपको कि शेड है इन चारों में अलग अलग, थोड़ा थोड़ा का फ़र्क है बट है। और ये वाला, इसमें कोई टिंट नहीं है,
तो ये है वो पाँचों लिप बाम, बट आपकी लिप्स को बहुत अच्छे से सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज रखने वाले हैं। नाउ कमिंग टू प्राइस एंड अदर डिटेल, तो इट रिटेल फॉर ₹160 फॉर 4.6 ग्राम क्वांटिटी विथ 3 ईयर सेल्फ लाइफ। बट परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, 160 इसकी MRP है, बट आफ्टर डिस्काउंट आपको ये 100-120 के अराउंड में इजिली मिल जाएगा। और आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, कोई भी बेस्ट ऑफर होंगे तो मैं ऐड कर देती हूँ, तो हो सकता है ये आपको अंडर 100 rupees भी मिल जाए। ये इजिली अवेलेबल है मिंत्रा एंड नायका पे और माई ग्लैम की वेबसाइट पे भी, तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। जो भी बेस्ट ऑफर एंड डील रहेगी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे, दैट इज़ माई निकाह आउटफिट। यस, तो निकाह आउटफिट का बेसिकली अगर मैं कलर की बात करूँ ना, तो हमारे यहाँ लाइक मेरे इन लॉज हाउस या फिर मेरे अपने मम्मी के यहाँ मतलब मायके में चलता है, वो होता है पिंक कलर। बेसिकली पिंक ही होता है, पहले बेबी पिंक चलता था, अब लोग पिंक की हर कलर पे जा जाते हैं। लाइक कुछ लोग फुशिया भी जाते हैं, कुछ लोग पाउडर पिंक, कुछ बेबी पिंक, बट वो पिंक का ही एक शेड होना चाहिए। और बहुत से घरों में अब ये चीज़ भी चेंज हो गई है, इनिशियली पिंक ही चलता था, बट अब लोग रेड ग्रीन ये सारी भी चीज़ें ले रहे हैं निकाह के लिए, बट हमारे यहाँ आज भी पिंक ही चलता है। तो मेरे दिमाग में भी पिंक ही था, तो ऑप्शन बहुत सारे थे कि शरारा, गरारा, लहंगा या फिर ऐसा क्या लूँ। बट मुझे ऐसा था कि लहंगा नहीं चाहिए, क्योंकि लहंगा मेरे पास, मेरा ब्राइडल लहंगा भी होने वाला था, रिसेप्शन का भी लहंगा ही डन था, तो इस वजह से मुझे था कि निकाह आउटफिट मैं कुछ ऐसा लूँ कि आज से अगर 10 साल बाद भी मैं उसे देखूँ ना, तो एक वाव वाली फीलिंग हो मेरे अंदर। तो इसलिए इस निकाह आउटफिट को मैंने खुद पर्सनली चूज़ किया है। लाइक मेरे इन लॉज साइड के भी लोग थे और मैं भी थी, तो मैंने अपने सामने ही से चूज़ किया है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। वो है ये है मेरा निकाह आउटफिट, जो कि बहुत ही प्रीटी सा ना पेपलम गरारा सेट है, जिस पे काफ़ी हैवी वर्क हो रखा है, क्योंकि निकाह आउटफिट था तो अभी बस हैवी ही लेना था। फर्स्टली अगर मैं नेक की बात करूँ, और ये जो वर्क किया हुआ है ना, ये कम्प्लीटली बिठाया हुआ है, लाइक ये रिमूव नहीं होने वाला है। जो लॉक करके बिठाया जाता है ना, वो है वाइट एंड गोल्डन स्टोन्स इसमें लगे हुए हैं, और कुछ इस टाइप से डिटेलिंग है, लाइक यू कैन सी, आई गेस आपको क्लोजर लुक में अच्छे से दिख रहा होगा। और फिर ये जगह जगह छोटे छोटे स्टड्स अगेन लगाए गए हैं, वेस्ट पार्ट पे फिर से ये वर्क किया गया है। और ये जो पेपलम वाला जो इसका पार्ट है ना, इसको बहुत ज़्यादा हैवी बनाया गया है, क्योंकि इसके बॉट पहले तो यहाँ पे ये सारा ऐसे लगा है, और पेपलम में भी ना ये लॉन्ग वाला पेपलम है, वो शॉर्ट वाला मुझे नहीं चाहिए था, तो ये लॉन्ग वाला है तो यहाँ पे लगाया हुआ है। और इसके नीचे आप देखेंगे ना, तो ये डबल लेयर में है, लाइक काफ़ी सारे लेयर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसको हैवी किया गया है लेयरिंग के थ्रू। अंदर इनर वगैरह है, जॉर्जेट मटेरियल है, अंदर सेटिन का इस पर इनर लगा हुआ है, तो ये कुछ डबल लेयर में अगेन सेम वर्क है, और काफ़ी अच्छा खासा फ्लेयर है, लाइक यू कैन सी कि ये इसका फ्लेयर है इसके पेपलम का। और सेम चीज़ भी बैक पे है, लाइक बैक भी पूरा वैसे ही वर्क किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि बैक इन्होंने प्लेन दिया है, तो ये पूरा सेम वर्क बैक पे भी है। ये डोरी दी हुई है यहाँ पे इसको टाई करने के लिए विद दिस झूमर। और अगर मैं स्लीव्स की बात करूँ, तो फुल स्लीव्स है इसकी, दिस वन, और स्लीव्स में भी इनर अटैच है, लाइक ये पूरा फुली स्टिच था, कुछ करवाना नहीं पड़ा है इसमें, और स्लीव्स में भी ये इनर अटैच किया हुआ है, और ये काफ़ी प्रीटी स्लीव्स पे भी वर्क है, मतलब हर तरह से इसे हैवी बनाने की पूरी कोशिश की गई है। तो यस, ये है इसका टॉप पार्ट। नाउ कमिंग टू द बॉटम, तो एज आई मेंशन कि बॉटम इसका कुछ इस टाइप से ये गरारा है, ये थाई के पास जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा भी फिट नहीं है, और मैंने इसे फिट करवाया भी नहीं, मुझे लूज़ लूज़ पसंद आता है, थोड़ा वो शरारा वाली फीलिंग आती है ना, वैसा काइंड ऑफ। और इस पे ये छोटे छोटे से स्टड्स लगे हुए हैं, और इसका जो ये लोअर सेक्शन है ना, लाइक ये जो एंकल के पास आने वाला है, इसमें ये लेस लगी हुई है, लाइक ये पर्ल लेस है जो कि पूरे में लगी हुई है। और एक पैर का अगर मैं फ्लेयर की बात करूँ, तो वो इतना है, लाइक ये वन लेग का जो फ्लेयर है वो इतना है, तो इस टाइप से काफ़ी फ्लेरी है ये, बहुत ज़्यादा मतलब, और काफ़ी जॉर्जेट मटेरियल है, तो वो और भी ज़्यादा फ्लेरी लग रहा है। और अंदर से इसमें इनर लगा हुआ है, इनर अटैच है, लाइक ये इसका फ्लेयर है, यू कैन सी, तो ये काफ़ी प्रीटी से ऐसे लेस लगे हुए हैं इस पर। तो पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आता है, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, और इसका जो वेस्ट है ना, वो कम्प्लीट इलास्टिकेटेड वेस्ट रखा गया है। नाउ कमिंग टू द दुपट्टा, तो जॉर्जेट का ही दुपट्टा है, विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, विड्थ इतना ही है, पर लेंथ अच्छी खासी है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है, सिर वगैरह पे लेने पे आपका मजे का पीछे तक आ जाता है, और लेंथ काफ़ी अच्छी खासी दे रखी है। एंड अगेन यही वाले पर्ल लेस लगे हुए हैं इस पर विद दिस छोटे छोटे से स्टड्स ऑल ओवर, और ये स्टड्स निकलते भी नहीं है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी वॉश करके ही रखा हुआ है, बट ये नहीं निकलते हैं।
तो यस, ये है कुछ मेरा निकाह आउटफिट, और ये मुझे पड़ा था अराउंड ₹5800, लाइक 5800 के अराउंड। ऑब्वियसली बात है, मेरे इन लॉ साइड से पेमेंट हुई थी क्योंकि निकाह का आउटफिट उन्हीं की तरफ से रहता है, बट मेरे सामने का था इसलिए मुझे प्राइस का एग्जैक्ट पता है। तो ये तो हो गया मेरा निकाह आउटफिट, बट बात यहीं ख़त्म नहीं होती है क्योंकि इसके साथ है मेरा निकाह दुपट्टा, विच इज़ अगेन रियली क्लोज टू माई हर्ट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये परफेक्ट एक ब्लड रेड कलर में है और ये नेट फैब्रिक में है विद दिस साइड लेस, लाइक इस टाइप से। पहले ये जो लेस आती है ना, आई गेस इसको सूली लेस या फिर झालर लेस ऐसा ही कुछ बोलते होंगे, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, मैंने शॉप्स पे जैसा जैसा सुना है वही मैं बता रही हूँ। और इस पे ये वेलवेट की लेस पे ना, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है कबूल है, और ये सारी मतलब ऑल द फोर साइड्स ये लिखा हुआ है इस तरह से। उसके बाद इसमें आता है ये वाला, लाइक ये जो देख रहे हैं ना, ये छोटा छोटा, ये प्रिंट वगैरह नहीं है, ये अगेन आपको वो कढ़ाई किया हुआ है विद दिस सर्कल सर्कल काइंड ऑफ कुछ होते हैं ना स्टार्स वगैरह, वैसा कुछ बना हुआ है। मतलब ये प्रॉपर हैंडमेड दुपट्टा है, कस्टमाइज़ करवाया गया है इसको। और इसके साथ ही लेंथ बहुत सही है, लाइक बहुत ज़्यादा, दिस वन। तो लेंथ इसकी आई गेस टोटल 2.5 मीटर है, अच्छा खासा विड्थ है, और इतना ही नहीं इसके आगे नेम भी कस्टमाइज है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आज़म की सना, लाइक दिस। तो जब आप इसको लेंगे ना एज अ ब्राइड, जब आप इसे लेते हैं तो ये कुछ इस टाइप से आता है, ये चीज़ जो है ना ये आपके सामने ऐसे में रहेगी। तो आज़म लाइक मेरे हस्बैंड का नाम है, तो आज़म की सना करके इस पर कस्टमाइज आया हुआ था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस टाइप के दुपट्टाज आपको नॉर्मल मार्केट में ही मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको कस्टमाइज़ करवाना है। होता क्या है कि उस पर नेम कस्टमाइज नहीं रहेगा, और ये सारे रिलीजन में आजकल मिल रहा है, कबूल है से लेकर के सौभाग्यवती भव, संस्कृत में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। और ये अरेबिक वाला है जो मेरे लिए आया हुआ था, इसमें आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है। ये वाला जो है ये आई गेस 3200 में मिला था, क्योंकि इसे पूरी तरह से कस्टमाइज करवाया गया है। बट इस टाइप के दुपट्टाज ना 1200 से स्टार्ट हो जाते हैं मार्केट में। फ़र्क क्या होता है कि किसी में ये वाला जो लेस है ना, ये सिर्फ वन साइड रहेगा फ्रंट में, नेम वगैरह नहीं रहेंगे, अगर जो सबसे सस्ता है उसकी मैं बात कर रही हूँ, और ना ही बीच में इस टाइप से कुछ बना रहेगा, प्लेन में रहता है। उसके बाद जो लेंगे थोड़ा सा प्राइसी, तो उसमें फोर साइड लेस रहेगा, बट ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो ऐसे ऐसे जो भी चीज़ें आप ऐड करवाते जाएंगे, प्राइस थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाएगा। तो मुझे तो ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी एज इट इज़ मुझे रिसीव हुआ है, तो इसलिए मुझे बहुत सही लगा ये। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा निकाह आउटफिट, इसके साथ फुटवियर, बैंगल्स, ज्वेलरी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ आउटफिट दिखा रही हूँ। फुटवियर वगैरह अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी, जहाँ बाकी सा कलेक्शन दिखाऊंगी वहाँ पे। तो ये था मेरा निकाह आउटफिट, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपका निकाह आउटफिट कैसा है वो भी बताइएगा, आई नो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होगा क्योंकि हर किसी के लिए रहता है, फिर चाहे आप सिंपल लें, बहुत ज़्यादा वर्क में लें, अपने अकॉर्डिंग हर कोई पिक करता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आउटफिट का लिंक मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो ऑफलाइन है, एंड जो लिप बाम थे लाइक कलर पॉप लिप बाम फ्रॉम माई ग्लैम, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, गो एंड चेक, और बेस्ट डील का भी फायदा उठाइए। तो यस, आज की वीडियो आई होप पसंद आई होगी आपको। इफ यस, देन मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।